बात दिल्ली की करें, अब दिल्ली में कितनी गंदगी है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दिल्ली में कई कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं। सफाई कर्मचारी हड़ताल पर, दिल्ली हाईकोर्ट सख्त। दिल्ली में एमसीडी कर्मचारियों की हड़ताल पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है और एमसीडी को जमकर लताड़ लगाई है और कहा है कि अगर तनख्वाह के पैसे नहीं तो फिर 30,000 टेम्परेरी स्टाफ को रखने की क्या जरूरत है। कोर्ट ने एमसीडी से पूछा है कि जो कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं उनके खिलाफ क्या आप कोई एक्शन ले रहे हैं। हाईकोर्ट ने तीनों एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर को तलब किया। कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में इतने कर्मचारियों के होने के बाद न नाले साफ किए गए न ही कूड़ा हटाया जा रहा है। दिल्ली हर जगह गंदी दिखाई दे रही है। एमसीडी ही बताए कि दिल्ली को साफ कैसे रखा जाए। मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी। एक तरफ हड़ताल पर दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी को फटकार लगाई तो वहीं दूसरी तरफ बयानबाजी का दौर जारी है। नॉर्थ एमसीडी के मेयर रविंद्र गुप्ता ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को पागल तक कह दिया। मित्रों, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल एक मेंटल केस हो गए हैं, पागल हो गए हैं दिल्ली के केजरीवाल। दिल्ली की जनता को छोड़कर बेंगलोर में चले गए हैं नेचुरोपैथी का इलाज कराने के लिए, मेंटल केजरीवाल। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि दिल्ली की जनता और दिल्ली के नगर निगम के कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, डॉक्टर, टीचर्स आज खून के आंसू रोने को मजबूर हो गए हैं। अपनी तनख्वाहों के लिए रोडों के ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं दिल्ली के कर्मचारी। ये इतना दुखद विषय है। और दूसरी तरफ दिल्ली के जो मुख्यमंत्री थे, आम आदमी बनकर, एक कॉमन मैन बनकर उन्होंने चुनाव लड़ा था और आज जो है वो कॉमन मैन जो है एक बिग पॉलिटिशियन में बदल गए हैं केजरीवाल। इससे पहले आज एमसीडी के कर्मचारियों ने केजरीवाल के घर के बाहर और जंतर मंतर में जमकर प्रदर्शन किया। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन का जायजा लिया आज तक संवाददाता रवीश पाल सिंह ने। जंतर मंतर पर एमसीडी कर्मचारियों का जो प्रदर्शन हो रहा था वो दो अलग अलग धड़ों में इस वक्त बंट गया है। एक धड़ जंतर मंतर का जो मुख्य एंट्री पॉइंट है वहां पर बैठा है तो दूसरा धड़ा दूसरी तरफ अशोका रोड की तरफ से जो एंट्री होती है वहां पर है। और आप देख सकते हैं ये अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ का मंच है जहां पर बड़ी तादाद में ना केवल सफाई कर्मचारी बल्कि जो दूसरे शिक्षक हैं, डॉक्टर हैं या फिर मलेरिया विभाग के जो लोग हैं, दूसरे तमाम लोग हैं, माली हैं, वो सब यहां पर पहुंचे हुए हैं। और भीड़ को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये पूरा का पूरा प्रदर्शन है। जगदीश प्रधान जी हमारे साथ है। जगदीश जी, पहले एक प्रदर्शन था, अब दो अलग अलग धड़े हो गए हैं, एक उधर बैठा है जंतर मंतर पे, एक दूसरे कोने बैठा है, ऐसा क्यों? हमारा सिर्फ ये है कि हमारे जो सब लोग हैं हम साथी हैं, चाहे एमसीडी हो, क्या नाम उसका गार्डन हो, सफाई कर्मचारी हो, मलेरिया हो और क्या नाम उसका हाउस टैक्स हो, जितने भी डिपार्टमेंट है हमारे सब लोग हैं। फूट की बात तो नहीं है कि फूट है, ऐसा कुछ नहीं है। हम वो जो सिर्फ स्कूल एजुकेशन के उसमें है बस, अगर उन्होंने ये गलत करा तो वो भी हमारे साथ आते हैं या हमें अपने साथ ले लेते हैं। इंजीनियर भी है वहाँ पे, इंजीनियर नहीं, सब यहाँ है, इंजीनियर है, वो इंस्पेक्टर है, उसके बाद जो है कई डिपार्टमेंट है हमारे, उसमें गार्डन है, तो सारे डिपार्टमेंट हमारे यहाँ पर हैं। हम वहाँ उसको आपकी क्या मांगे हैं? हमारी मांग ये है कि एक तो सबसे पहले जो कर्मचारियों को किसी भी डिपार्टमेंट का हो तो तनख्वाह नहीं मिल रही, दूसरा पेंशन नहीं मिल रही, तीसरा बेनिफिट नहीं मिला कोई भी, जैसे एरियल। खेलकर हमारे साथ है पंकज, पूरी खबर बताएं। पंकज, पूरी खबर बताएं। ये देखिए आप शनि शिंगणापुर जो मैं